अब एक ऐसी खबर जिसमें लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जौनपुर के भदेवरा गांव में पानी के लिए लोग तालाब की खुदाई कर रहे हैं। ये मजदूर नहीं बल्कि गांव के ही लोग हैं। बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी तालाब की सफाई में जुटे हैं, जिससे बारिश का पानी तालाब में इकट्ठा हो और जल स्तर बना रहे। बरसात ना होने से तालाब सूख गए हैं। यहाँ 2 महीने से हैंडपंप में भी पानी नहीं आ रहा है। गांव वालों को पानी की किल्लत सहनी पड़ रही है, इसलिए यहाँ के लोगों ने जल को संरक्षित करने का काम शुरू कर दिया है। इस समय हमारे गांव के सारे तालाब सूख गए हैं, किसी तालाब में एक बूंद पानी नहीं है। गांव के लोग सिर्फ यहाँ इंडिया वो हैंडमार्क चल रही है पाइप, बाकी सब हैंड पाइपों ने पानी छोड़ दिया। गांव के लोग बहुत परेशान है। कोई जनप्रतिनिधि ना विधायक ना सांसद कोई कभी गांव का ख्याल खबर लेने नहीं आता है। गाँव में पानी है, जनता क्या कर रही है, कुछ न किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। सब लोग चुनाव के समय आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं, फिर कोई नहीं आता। और हम लोग आप देख लीजिए श्रमदान से गांव का तालाब साफ कर रहे हैं और जनता पानी के लिए बहुत परेशान है। प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा ध्यान इधर भी आकर्षित कीजिए। हम लोग ग्राम पंचायत भदेवरा के, हमारे यहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। हम लोग पानी जितने हैंडपंप है हमारे जो 150 हैंडपंप अगल बगल काफी दूर तक लोगों का एकदम से पानी एकदम बंद हो चुका है और 2 महीने से हम लोग पानी पानी के लिए तरस रहे हैं। किसी तरह से कहीं से ला के अपने बच्चे को अपने जानवर को किसी तरह से पिला रहे हैं खिला रहे हैं और प्रशासन से और कहीं शासन से कहीं कोई न पूछने आ रहा है न मदद करने। हम लोग एकदम जली दोपहरी में अपने आप खुद खोद रहे हैं तालाब की, खुद सफाई कर रहे हैं।